अब एटलीस्ट मैं अपनी मम्मा का सपोर्ट बन गई भाई, हूँ वाह वाह कि वाह मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनकी जो उनकी ख्वाहिशात हैं वो मैं पूरी कर सकूँ। मैं जैसे एक कि बात अभी बोलता इंशाल्लाह हूँ, मैं उनको उम्रे पे ले जा सकूँ, मैं उनको हज के लिए ले जा सकूँ, ये मेरा एक ख्वाब है। मेरी माँ ने मेरा जितना किया है ना, मैं लिटरली मैं कभी कभार सोच के बोलती हूँ कि मैं तो उनका कभी वो कर ही नहीं सकती ना वापस वो कर, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा मैं जो भी है ना वो सब उनके लिए है और उनका ही है। अगर मुझे कभी हुआ ना मैं बोलूँगी बस आप सब रख लें मुझसे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिटरली लव यू मम्मा, अगर वो देख रही है तो, क्योंकि मैं ऐसे सामने से तो कभी कभार नहीं बोल पाता बंदा, बट ऐसे बोल सकता है तो इसलिए यहाँ से बोल देती हूँ। मैंने बिल्कुल बिल्कुल एक चीज लाया हूँ आपके लिए। नहीं सुशी नहीं है, इसको ऐसे बस ये ठीक है, इसे ध्यान से खोलो 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 खोल लें। अच्छा लगा आपको? अच्छी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी, एकदम रिलैक्स कर दिया। गाइस माँ जी आ चुकी है मेरे साथ, क्या हाल है शहजादी? ठीक है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना एक बच्चे का जो है माँ बाप ध्यान रख सकते हैं ना, उतना कोई ध्यान नहीं रख सकता, चाहे वो अंकल आंटी हो, चाचा चाची हो, मामा मामी हो, ताया ताई हो, कोई भी हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, जो माँ बाप रख सकते हैं वो अपने बच्चे का कोई ध्यान नहीं सकता। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों बैठे बैठे बस ये वाक्य याद आ गया मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको शेयर कर दूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक मिल जाए। धन्यवाद। Personal dreams.